हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी ईज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा संसाधनों को पढ़ने से पहले हम छत्तीसगढ़ में उसकी क्या स्थिति है ये जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत संपन्न राज्य में से एक है, उसी तरीके से ऊर्जा संसाधनों से भी भरपूर है। छत्तीसगढ़ में जो उत्तर का जो हिस्सा है, जिसमें कोरबा जो जिला है, कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ जिला जो है वो मुख्य रूप से ऐसे खनिजों के लिए खनिज संपदा से संपन्न है जो उसे एक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं कोयला, कोयला की जो मात्रा है, कोयले का जो भंडार है, उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वो तीसरा है और उत्पादन में प्रथम है। कोरबा नामक जो जिला है छत्तीसगढ़ का, उसे ऊर्जा राजधानी के नाम से सिर्फ और सिर्फ कोयले ने ही पहचान दिलाई है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा संसाधनों में बहुत उन्नति की है। 2008 से यहाँ पे जीरो पावर कट ऑफ चल रहा है और इसी तरीके से ये उन्नति कर रहा है। ऊर्जा को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ऊर्जा को किस तरीके से बांटा गया है। ऊर्जा जो है वो उसका प्रमुख स्रोत जैसे हम जानते हैं कि सूर्य है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। पर उपयोगी, अगर बहुत ज्यादा उपयोगी ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करते हैं तो हम उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जिसमें आता है आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें बहुत सालों के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में रखा गया है। एक बार खत्म होने के पश्चात इन्हें पुनः प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगेगा। दूसरा आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें आता है आपका सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना, बायोगैस, बायोमास आता है, पवन ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है। तो इस तरीके से ऊर्जा के विभिन्न स्रोत यहाँ छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ऊर्जा को बताने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने लोगों में ऊर्जा के संसाधन को दिखाते हुए एक सिंबल भी क्रिएट किया है जो उसके ऊर्जा संपन्नता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए 15 नवंबर सन 2000 में, जिसे केंद्र के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी 19 अप्रैल 2001 को। ठीक है, आगे चल करके इसी छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, जिसे सीएससीबी भी कहा जाता है, उसका 19 दिसंबर 2008 को पुनर्गठन किया गया और उसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो पहला है सीएसपीडीसीएल, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसमें से आपको पकड़ना है इस वाले सेक्शन को सीएसपीजीसीएल, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2009 को। अब छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा संसाधन है उसे हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो तापीय ऊर्जा और दूसरा जल ऊर्जा। उसके अलावा सौर उत्पादों से भी ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन तापीय ऊर्जा से बहुत अधिक मात्रा में निर्माण किया जा रहा है। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अन्य बाकी भी स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, इन सभी स्टेट्स को बिजली प्रोवाइड कर रही है। तो आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत या जल विद्युत से कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, आज हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ताप विद्युत के बारे में बताना चाहूंगी कि 1958 में कोरबा जिले में प्रथम ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, प्रथम वो इकाई थी, उसी को गिना जाता है। ताप विद्युत को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का टोटल उत्पादन है सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट का 2286 मेगावाट। इसी तरीके से अगर हम जल विद्युत की बात करते हैं तो जल विद्युत प्रथम इकाई जो है जल विद्युत के द्वारा स्थापित की गई थी गंगरेल जलाशय में, रुद्री जलाशय का जलाशय जो गंगरेल जलाशय का हिस्सा है उसी में 1990 में स्थापित की गई थी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार की जो उत्पादन क्षमता है 138.7 मेगावाट है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो छत्तीसगढ़ का टोटल प्रोडक्शन होता है 2424.7 मेगावाट।
एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। अब हम वन बाय वन देखते जाते हैं। सबसे पहले ताप विद्युत के कितने संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित है वो देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा ईस्ट की स्थापना की गई थी या कोरबा पूर्व या इसी को बोला जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत उत्पादन गृह जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्माण की गई है। इसके द्वारा तीन यूनिट मतलब तीन अलग अलग फेज में इस तरीके से आप लिख सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सबको ऐड करती हूँ मैं। इस तरीके से ये हो जाएगा टोटल 940 मेगावाट का उत्पादन करता है कोरबा ईस्ट। फिर आता है कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम में 210 मेगावाट की चार इकाइयां हैं और 500 मेगावाट की एक इकाई है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 1340 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से भोरमदेव को जोन की स्थापना की गई है कवर्धा जिले में, जहां से 6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस वर्ष 2016 की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मड़वा ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई, जिसके साथ ही हमें 1000 मेगावाट की उपलब्धि प्राप्त थी। जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो छत्तीसगढ़ का कुल उत्पादन होगा 3434.7 मेगावाट, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उत्पादित की जाती है। अब हम देखते हैं जल ऊर्जा के द्वारा किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो विद्युत का उत्पादन करती है। जल विद्युत की सबसे पहली जो इकाई थी वो 1990 में रुद्री नामक जो स्थान है वहां पर प्रारंभ की गई थी 0.2 मेगावाट की। इसी तरीके से सबसे पहले कुछ प्रमुख निर्मित जल विद्युत इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है हजे बांगो जल विद्युत इकाई, जो हजे नदी पर बना हुआ है, कोरबा जिले में स्थित है। दूसरा है गंगरेल, गंगरेल जो है वो धमतरी जिले में स्थित है। सिकासार, सिकासार जो है वो आपका गरियाबंद जिले में स्थित है। और कोरबा पश्चिम मिनी जो कोरबा जिले में स्थित है। हजे बांगो जो है वो वहां पर 40 मेगावाट की तीन इकाइयां उपस्थित है, तो यह हो जाएगा 120 मेगावाट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा है गंगरेल, तीसरा है सिकासार और चौथा है कोरबा पश्चिम मिनी। इस तरीके से अगर इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो हमें मिलता है 138.7 मेगावाट। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है वो जल विद्युत में कुल 138.7 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वयं के द्वारा स्थापित संस्थाओं के अलावा केंद्र सरकार के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन संस्थाओं के साथ या इनके संयुक्त इनके और केंद्र सरकार दोनों के साथ संयुक्त रूप से अनेक पावर प्लांट भी लगाए हुए हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो जो देश की हमारे देश की भारत की जो पावर कॉरपोरेशन कंपनी है, जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन या NTPC जो है वो, उसके द्वारा भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कोरबा में स्थापित NTPC कोरबा की स्थापना की गई है 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये NTPC द्वारा स्थापित पहला पावर प्लांट था, जिसमें 1983 से प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर अभी प्रेजेंट में 2600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कोयला आधारित यह प्लांट है, जहाँ पर कोयले की जो आपूर्ति है बिलासपुर और कोरबा जिले के कुसमुंडा गेवरा ये माइंस से कोयले की प्राप्ति होती है। जल की जो प्राप्ति होती है हजे नदी जो कोरबा जिले में मिनी माता हजे बांगो की जो निर्माण की गई है वहाँ से इसको जल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से कोरबा में एक पूरा एक हब तैयार होने लगा है विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड। दूसरा है NTPC सीपत, यह भी बिलासपुर में स्थापित है। सन 2002 में इसकी स्थापना की गई और 2008 से यहाँ पे प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है। 1986 मेगावाट का यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर मतलब इसी प्लांट में ही सुपर क्रिटिकल बॉयलर टेक्निक से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो देश में प्रथम है।
अगला है एनएसपीटीपी 3 पीसीएलटी भिलाई में इसकी स्थापना की गई है। ये एनटीपीसी और सेल दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है, जहां से 574 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है। इसी तरीके से एनटीपीसी के द्वारा कुछ निर्माणाधीन कंपनियां भी है जो प्रारंभ की गई है, जिसमें आता है एनटीपीसी लाला। इसकी स्थापना रायगढ़ में की गई है और ये जो है वो एनटीपीसी का सबसे अधिक प्रोडक्शन देने वाला प्लांट है। ये यहाँ से 4000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर आता है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। 2012 से ये निर्माणाधीन है। ये जो है मुख्य रूप से उदयपुर और प्रेम नगर, संयुक्त रूप से देखा जाए तो सरगुजा जिले में ये निर्माणाधीन है और ये छत्तीसगढ़ का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है और भारत देश का 5वां अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है ऐसी कई योजनाएं चला रही है जो निर्माणाधीन है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से निर्माणाधीन संयंत्र स्थापित की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वो हम देखते हैं। अगर हम बात करें तापीय ऊर्जा की, तो उसमें पहला तो हमने पढ़ा था मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, जो 2016 में 1000 मेगावाट के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट को समर्पित हुआ। दूसरा है बूंदेली, ये जो ताप विद्युत संयंत्र है वो उससे हमें प्राप्त होगा 500 मेगावाट का विद्युत। फिर आता है कोरबा दक्षिण, कोरबा जिले में इसे 100 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब देखते हैं हम जल विद्युत का बहुत महत्व है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियां हैं और बहुत छत्तीसगढ़ का इस वजह से नाम भी बहुत रोशन हुआ है, तो उन सभी नदियों में भी अनेक जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। तो अगर देखा जाए तो जैसे बोध घाट परियोजना, ठीक है, ये जो परियोजना है वो बस्तर जिले में निर्माणाधीन है और जिसे हमें मिल रहा है 500 मेगावाट। उसके बाद मटनार जो परियोजना है वो मटनार नदी पर बना हुआ है और ये भी बस्तर जिले में है और 60 मेगावाट के साथ ये भी निर्माणाधीन है। अगला आता है कन्हार। हमने पढ़ा था या हम पढ़ेंगे कि जो कन्हार नदी है वो सरगुजा जिले से होते हुए बलरामपुर जिले में बह जाती है और उसके बाद वो आगे चल करके छत्तीसगढ़ से अलग हो जाती है। तो कन्हार नदी पर ही 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है बलरामपुर जिले में। इसी तरीके से रेहा जल विद्युत परियोजना है जिससे हमें 96 मेगावाट का विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। अब ये तो हो गया दोनों अलग अलग, संयुक्त उपक्रम की भी कुछ इकाइयां जो है छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन है, जिसमें है पहला भैयातन सूरजपुर, मार्क कर लेते हैं सूरजपुर, यहाँ पर 660 मेगावाट की दो इकाइयां जो है वो स्थापित है जिससे हमें 1320 मेगावाट का विद्युत प्राप्त होगा। फिर है IFFCO ताप विद्युत, ये जो है वो प्रेमनगर में स्थापित है, अगेन फिर से सूरजपुर में, मार्क कर लीजिए याद करने के लिए। यहाँ पर भी 660 मेगावाट की दो इकाइयां जो है वो निर्माणाधीन है जिससे हमें 1320 मेगावाट का विद्युत प्राप्त होगा, ठीक है। अगला है तातापानी, अभी ये लेटेस्ट का न्यूज है कि बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ का पहला और देश का दूसरा जियो थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई जिससे 30 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाएगा। पहला जो भूतापीय परियोजना है वो तुंगा घाटी लद्दाख जो क्षेत्र है वहां पर स्थापित किया गया है और ये जो है वो आपका दूसरा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2008 से स्वयं को विद्युत कटौती मुक्त घोषित किया हुआ है। यहाँ पर 35 लाख परिवार जो है वो विद्युत कनेक्शन लिए हुए हैं, जिसमें से 16 लाख जो परिवार है वो एकल बत्ती कनेक्शन वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था कि एकल बत्ती कनेक्शन वालों को कितना यूनिट विद्युत फ्री में दिया जाता है और इसका आंसर लिया गया था 40 यूनिट जो है वो फ्री में लिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 2008 से कटौती मुक्त तो है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में 97.37% जो ग्राम है वो पूरी तरीके से विद्युतीकृत है और बचे हुए क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन का निर्माण जो है वो कार्यरत है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति अगर यूनिट की खपत देखी जाए तो वो 1600 यूनिट है, जो 2003 से 2016 तक की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा जिला है वो अपने महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए पूरे देश में अब जाना जा रहा है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन की वजह से विभिन्न ताप विद्युत संयंत्र इस जगह पर स्थापित किए जा चुके हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ ने इस
जिले को विद्युत जिला के नाम से अंकित कर दिया है, इसलिए अंकित कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि परंपरागत जो विद्युत है, परंपरागत संसाधनों से किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया गया। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाता है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस और बायोमास, उसके अलावा भूतापी ऊर्जा, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। उसने ये जो क्षेत्र है मुंगेली वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा मतलब इसमें मुंगेली में अचानक मार वाला जो क्षेत्र है वो, उसके अलावा सेमासोर, तमोर पिंगला, इस सभी क्षेत्रों के बहुत सारे गांवों को सोलर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया है। फिर आते हैं पवन ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में जो पवन की जो गति है वो 9.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, और अगर एक स्टैंडर्ड गति देखी जाती है अगर, तो वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लेकर के 23 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा की भी बहुत संभावनाएं हैं। इसीलिए 1991 में बालोद जिले के शासकीय महाविद्यालय में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसी प्रकार से अगर बायोमास के बारे में देखेंगे तो बहुत सारी स्थानों पर बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कवर्धा जिले में नया सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने की स्थापना की गई, वहां पर 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से हम जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं और गन्ने की खेई या फिर भूसे की खेई, इन सभी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इस वजह से भी छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत विद्युत उत्पादन कर रहा है। फिर आता है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र मुख्य रूप से दुर्ग और आपका जांजगीर चांपा जो जिला है, इन सभी क्षेत्रों में बहुतायत रूप में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। फिर भूतापी ऊर्जा, फिर अगेन मैं आपको बताती हूँ कि भूतापी ऊर्जा का जो द्वितीय प्लांट जो है वो जियोथर्मल पावर स्टेशन की स्थापना जो है वो बलरामपुर जिले में की गई है, जो 30 मेगावाट विद्युत हमें प्रदान करती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ने और भी अनेक माध्यमों को ढूंढा, इसीलिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसकी सहायता से बायो डीजल की स्थापना की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से रतन जोत या करेंज की जो बीज रहते हैं उन सबको यूज करके बनाया जाता है। इसमें एक चीज और बताती हूँ, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो अक्टूबर 2016 में अभी रिसेंटली रायपुर में स्थापित किया गया है। इस तरीके से अगर 2015 की स्थिति में देखा जाए तो प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 19827 मेगावाट है। अब 2016 में कुछ और अन्य संयंत्र भी स्थापित हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं मड़वा तापित संयंत्र, जिसने हमें 1000 मेगावाट की उपलब्धि दी। तो इस वजह से प्रदेश का जो कुल उत्पादन क्षमता जो हो जाएगा 20,827 मेगावाट। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे संयंत्र और भी स्थापित किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से वो बढ़ते जा रहे हैं। परंतु जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसका जो मेन टारगेट है 34647 मेगावाट की उपलब्धि हासिल करना। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न योजनाएं, जिसकी सहायता से वो अपने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी ताप विद्युत और जल विद्युत को बहुत ज्यादा फैला कर रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी अपने क्षेत्र में प्रगति की है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैंने कुछ योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं और इस तरफ मैंने विभिन्न पुरस्कारों के नाम लिखे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को और छत्तीसगढ़ के काम को दर्शाता है। देखो, छत्तीसगढ़ ने उदय योजना की शुरुआत की। ये जो है योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। इसका जो प्रारंभ है 5 नवंबर 2015 को किया गया था। इस योजना को कहा जाता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ये योजना जो है मुख्य रूप से हमेशा पावर सप्लाई के लिए प्रारंभ की गई है, अर्थात कभी भी पावर कट नहीं किया जाएगा।
दूसरा आता है उज्ज्वल योजना। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ से प्रारंभ की गई थी। यह भी केंद्र सरकार की योजना है जिसे अगस्त 2016 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 200 रुपए में गैस सिलेंडर वितरित किया गया। ठीक है, तीसरा आता है सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना के माध्यम से ही हाल ही में 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों छत्तीसगढ़ सरकार ने सौर सोलर वितरण किया। इसके माध्यम से सिंचाई पंपों सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप वितरित किए गए छोटे एवं लघु किसानों को। तीसरा आता है डीएलपी योजना। इस योजना के माध्यम से सिर्फ 85 रुपए में एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अभी हाल ही में अक्टूबर 2016 में सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दोनों के द्वारा डीएलपी या डेल्प योजना शुरू की गई है जिसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइट प्रोजेक्ट। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलईडी बल्ब वितरित किया जा रहा है और एपीएल परिवारों को 102 रुपए में 5 एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अक्टूबर 2016 में सिंचाई के साधनों के रूप में सोलर पंपों का वितरण किया गया बस्तर संभाग में और योजना का शुरुआत किया गया। इसी तरीके से सभी गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए 25 जुलाई सन 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो केंद्र के द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं में उदय योजना, उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है वो प्रारंभ की गई है और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सौर सुजला योजना, डेल्प योजना और ये सोलर पंपों से सिंचाई की जो योजना है वो प्रारंभ की गई है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनेक बार पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। अगर हम देखते हैं तो 2006-07 में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव बांगो जो मिनी माता प्रोजेक्ट है वहां पर विद्युत उत्पादन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया था। इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको बोला जाता है कोरबा ईस्ट, उसमें प्रोडक्शन के लिए 2010 में उसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऊर्जा के संरक्षण के लिए लगातार 2 बार 2011 और 2015 में छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कार प्राप्त हुआ। हाल ही में 2016 अक्टूबर 2016 में सोलर रूफटॉप के लिए क्रेडा को पुरस्कृत किया गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसी तरीके से मुझे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज सीजीपीएससी ई ज्ञान को लाइक कीजिए। आप इन दोनों पर जा करके अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू।